मेरा नाम रूबी है, मेरी पहली कहानी है। मैं आज आपको अपने सेक्सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी कल रात की ही है। कल रात को मैं अपने देवर जी से खूब जोड़ी, खूब मज़ा आया। बारिश हो रही थी और वह मुझे रहे थे और मैं भी खूब मज़े ले रही थी। कब कैसे क्या हुआ यही सब आपको। मेरे घर में मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा छोटा देवर और पति, हम पांच रहते हैं। हमारे पति देव अभी कोलकाता गए हुए हैं क्योंकि वह बिजनेस करते हैं। तो कुछ सामान लाने के लिए मैं कानपुर रहने वाली हूँ, कानपुर देहात में रहती हूँ। असल में कल रात यह हुआ था कि जब मेरे पति घर में नहीं थे, कोलकाता गए थे, वैसे भी जल्दी खाना बन गया था, मम्मी पापा जल्द सो गए थे, देवर जी अपना पढ़ाई कर रहे थे छत पर, मैं भी वहीं चली गई। इतने में ही कुछ देर में लाइट चली गई और लाइट बहुत देर तक नहीं आई। रात के 11 बज गए थे। लाइट नहीं आई तो नीचे कैसे सोती। मम्मी पापा तो दोनों को नींद आ चुकी थी पर मुझे बहुत गर्मी लगती थी। इस वजह से मैंने प्लान बनाया कि आज रात को छत पर ही सो जाएं। देवर जी भी बोले कि भाभी आप उधर सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। तो मैं सोचा कि सही है, आज यहीं सो जाएं। और नीचे बिछावन लेकर आई और देवर जी के लिए भी बिछा दें और अपने लिए भी बीच में थोड़ा जगह छोड़कर फिर आराम से सो गई। नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने पूछ लिया कि भाभी क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड था। तो मेरा तो बहुत बॉयफ्रेंड था पर मैं कैसे बताती हूँ उनको कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था। यह बात ऐसे भी बताने का नहीं होता है पर मैं भी पूछ ले कि आपका कोई गर्लफ्रेंड है। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा तो फिर आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को किस किया हूँ, गले लगाया हूँ और भी जो चीज़ें होती हैं उस सब किया हूँ। तुम्हें बोली कि वह सब चीज़ें क्या आपने सेक्स किया उसके साथ। तो वह चुप रह गए। हमसे पूछे क्या आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया है। उन्होंने बोला हाँ बस दो बार, जो कानपुर में होटल है ना वहीं पर मैं उसको ले जाकर। पर दोस्तों सच बताऊँ तो मेरे मन में भी बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी क्योंकि यह सब सुनकर मेरे मन में आज रात रंगीन करने का मन होने लगा था। मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया अपने पति से करवाते हुए, क्यों ना आज मैं नए का दीदार कर लूं। दोस्तों तभी बारिश आ गई और देव जी कहने लगे चलो भाभी नीचे। तो मैं बोली नीचे जाकर क्या होगा, कितना अच्छा हवा चल रहा है, बारिश भी आ गई है, थोड़ा भी लेते हैं उसके बाद नीचे चलेंगे। तभी बारिश जोर जोर से होने लगी और मैं भीगने लगी, वह भी मेरे साथ ही भीगने लगे। मैं बोली देवर जी एक चीज़ बताओ, अगर आज रात को मैं आपकी बीवी बन जाऊँ तो आपको कैसा लगेगा। देवर जी का मुंह खुला का खुला रह गया। साध्वी जो चाहते थे वह पूरा होने लगा था और मैं जो चाहती थी वह मुझे पूरा होने वाला था क्योंकि वह चुपचाप सो गए। तो चुपचाप का मतलब यह होता है हाँ। मैं बोली ऐसा दिन शायद कभी जिंदगी में नहीं आए तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं। हाँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पार्ट वन ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस 1K सब्सक्राइब जल्दी से कंप्लीट करवा दो और एक छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।